मेरा नाम रानी मंजूर है और मैं सहीवाल की रिहायशी हूँ। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो भावलपुर में हुई है, बस्ती रानी अखबार में है भुट्टा में वाली। मैं यहाँ पे क्वार्टर पे रिहायश रखी हुई है, अकेली यहाँ पे रह रही हूँ। तो काफ़ी 3-4 माह से जो है यहाँ के जो एमओ हैं डॉक्टर अली फहीम, वो मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनके साथ जो है मतलब कि फ्रेंडशिप करूँ, इस तरह के वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जो है मैंने एप्लीकेशन दिया सीईओ ऑफिस में, आज उसकी इंक्वायरी थी। तो इंक्वायरी में जो है उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि ये इसने जो हरासमेंट की एप्लीकेशन दी है वो वापस ले ली जाए, उसका ट्रांसफ़र किया जाए और ये मुझसे माफ़ी मांगे। इंक्वायरी उसकी हेल्ड हुई है, जैसे मैं सीईओ ऑफिस से निकली हूँ तो उन्होंने 3-4 लड़के हैं, आवार लड़के जो मेरे पीछे लगा दिए और पूरे भागलपुर में उन्होंने मुझे घुमाया है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, यहाँ की रिहायशी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। मैंने जगह जगह स्टॉप किया है कि छुपी हूँ, कहीं पे भी छुपी हूँ मैं कि उन लोगों से मेरा पीछा छूट जाए। उन्होंने एक दफ़ा मेरा बैग छीनने की भी कोशिश की है। तो ये सारा कुछ जो है उन्होंने मेरे साथ इस वजह से डॉक्टर अली फहीम करवा रहे हैं ताकि जो मैंने हरासमेंट की एप्लीकेशन दी है वो वापस मैं ले लूँ। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि मैं यहाँ पे इसकी ओर नहीं हूँ, मुझे अपनी जान का अपनी इज्जत का जो है वो ख़तरा है, मुझे जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इस डॉक्टर अली फहीम का यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया जाए। आज भी मैं किसी के घर रुकी हूँ इसी वजह से कि जो मैं क्वार्टर पे नहीं रह सकती। कल भी मेरे क्वार्टर पे रात को 11-12 बजे जो है नोकिंग हुई है, जब मैं आगे से आवाज़ दी तो कोई बंदा नहीं बोला, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे दरवाजे पे कभी किसी ने नोकिंग की हो। जब से मैंने ये हरासमेंट की एप्लीकेशन दी है मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, आज तो उन्होंने बाकायदा बंदे मेरे पीछे भेजे हैं। मेहरबानी होगी आप लोग जो है ना मेरे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें।